गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस की क्लास में हम आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझाएंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। आपको आपके आसपास में डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अलग अलग प्रकार के जो मैटर है उन्हें देखना है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज, अब उनमें डिफरेंट क्या है? यू कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एक्सिस्ट्स इन थ्री डिफरेंट स्टेट। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो मैटर है वो कितने स्टेट में है? तीन स्टेट में। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो स्टेट्स है मैटर का, ये किसके कारण होता है? वेरिएशन के कारण। किसके वेरिएशन के कारण? कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स के वेरिएशंस के कारण। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम इस मैटर की जो तीन स्टेट्स है उसके स्टडी के बारे में हम पढ़ते हैं। द सॉलिड स्टेट, पहली कौन सी आती है? द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी, कलेक्ट फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको क्या करना है सॉलिड स्टेट्स का को पढ़ने के लिए? ये जो आपको नीचे आर्टिकल्स दे रखे हैं इनको कलेक्ट करना है, मतलब इकट्ठा करना है। अ पेन, क्या लेना है? पहले आपको पेन लेना है, फिर अ बुक, एक बुक लेना है, अ निडल, एक निडल लेना है, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, और एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है। स्केच द शेप ऑफ अबाव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाई मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब आपको क्या करना है, इन सभी के क्या बनाना है? आपको एक स्केच बनाना है। डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, क्या सभी का शेप एक जैसा है? डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, उनकी बाउंड्री भी एक जैसी है या उनका वॉल्यूम भी एक जैसा है? वॉट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल और ड्रॉप, क्या होगा जब हम उसे क्या करे जाए? या तो हम उसे खींचे या हम उसे ठोके या फिर ऊपर से नीचे उसे गिरा दें। आर दिस कैपेबल टू डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर, क्या ये सभी एक दूसरे को ख़त्म करने में क्या होंगे, कैपेबल होंगे? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, अब उसे कंप्रेस करने के लिए क्या करें, उसको उस पर फोर्स अप्लाई करें। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप उसे कंप्रेस मतलब ख़त्म कर सकते हैं? ऑल द अबाव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, ये जो ऊपर सभी दिए हैं ये किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड के एग्जाम्पल है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, हमें पता है कि इन सभी का शेप क्या है, निश्चित है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, उसकी बाउंड्री भी निश्चित है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। दैट इज़ उसी के कारण हैव नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, जिसके कारण उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसी है? नेग्लेजिबल, मतलब हम उसे हटा सकते हैं। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, सॉलिड के पास क्या है, एक ऐसी टेंडेंसी रहती है जो उसके शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है, और आउटसाइड फोर्स मतलब बाहरी जो ताकत रहती है उससे वो सब्जेक्ट करता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सॉलिड क्या करता है, जो उसके अंदर का फोर्स रहता है उसको तो वो ख़त्म करने में कैपेबल होता है, लेकिन उसका जो शेप रहता है उसको चेंज करने में वो कैपेबल नहीं होता, डिफ़िकल्टी होती है। सो दे आर रिजिड, तो ये क्या है, रिजिड मतलब जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, अब नीचे ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे इनको कंसिडर करने के अकॉर्डिंग। वॉट अबाउट अ रबर बैंड, अब रबर बैंड के साथ क्या होगा? कैन यू चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट इज़ अ सॉलिड, क्या आप उसके शेप को चेंज कर सकते हैं खींचने पर, क्या वो सॉलिड है? वॉट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, अब शुगर और सॉल्ट के साथ क्या होगा? वेन कैप्ट इन डिफरेंट जार दिस टेक द शेप ऑफ जार, अब शुगर और सॉल्ट को आप जैसे जार में रखोगे तो उनका शेप कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। आर दे सॉलिड, क्या वो सॉलिड है? वॉट अबाउट स्पंज, इट इज़ सॉलिड येट आर एबल टू कंप्रेस इट बाय, अब वो क्या स्पंज देखा है आपने, अब वो सॉलिड है क्या, हम उसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस मतलब दबाना। ऑल द अबाव आर सॉलिड्स, ये जो ऊपर आपको बताए हैं ये सब क्या है, सॉलिड्स है। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रीजन सेम शेप व्हेन द
द फोर्स इज रिमूव्ड इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। क्या होगा, रबर बैंड क्या है, सॉलिड है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जैसा शेप हम उसे देते हैं वो वैसा शेप ले लेता है, और बाद में क्या, जैसा वो पहले था वैसा ही हो जाता है, और अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते तो वो टूट जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। जो और जो शेप रहते हैं इंडिविजुअल क्रिस्टल के और सॉल्ट जो शुगर के, वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, कैसे, अगर हम या तो हम उसे हाथ में रखेंगे तो भी वो वैसे ही रहेगा, जार में डालेंगे तो भी वो वैसे ही रहेगा। अ स्पंज हैज मिनट होल्स। अब स्पंज के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही माइन्यूट, मतलब छोटे छोटे से होल्स, छेद रहते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप, जिसके अंदर क्या रहती है, एयर ट्रैप हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसे प्रेस करेंगे, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जब हम उसे प्रेस करते, जो एयर रहती है वो क्या करती है, बाहर निकल जाती है, और हम क्या रहते हैं, उसको कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए कैपेबल रहते हैं। द लिक्विड स्टेट, अब लिक्विड स्टेट क्या बोल रही है, कलेक्ट द फॉलोइंग। आपको लिक्विड स्टेट बताने के लिए जो नीचे चीज़ें गई है, दी गई है, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। एक वाटर का, वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क लेना है, जूस लेना है, या फिर कोल्ड ड्रिंक लेना है। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के कंटेनर लेना है आपको। पुट अ 50 ml मार्क ऑन द ईच कंटेनर। अब उसमें आपको क्या करना है, 50 ml का मार्क करना है सभी कंटेनर पर, यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, और लैब से आपको क्या लेना है, मेजरिंग सिलेंडर लेना है। वॉट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। क्या होगा जब ये लिक्विड जो है वो स्प्लिट, मतलब ज़मीन पर गिर जाए। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इन टू अ डिफरेंट कंटेनर बाय वन। अब आपको कोई भी एक लिक्विड को 50 ml पर लेना है और उसको अलग अलग कंटेनर में, एक एक के बाद अलग अलग कंटेनर में डालना है। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम, क्या उसका वॉल्यूम सेम होगा। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम, क्या उसका शेप भी सेम होगा। When you are pour the liquid one from another container, does it flow easily? जब आप उस लिक्विड को एक से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो क्या वो आसानी से फ्लो होगा। We observe that liquid have no fixed shape but have fixed volume. हमें पता है कि लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं रहता, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। They take the shape of container in which they are kept. वो क्या करते हैं, वैसे ही कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें वो रखा गया है। Liquid flow a change shape. So they are not rigid but can be called flood. Liquid क्या करता है, उसका shape भी change कर लेता है, flow भी होता है, तो उसका कोई वो rigid नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है, flood. Refer to activity 1.4 and 1.5. Activity 1.4 और 1.5 लेने पर where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid. हम देखेंगे कि activity लेने पर क्या होगा, कि solid और liquid जो होगा वो liquid में diffuse हो जाएगा। The gases form atmosphere diffuse dissolve in water, और gaseous क्या रहेगा, diffuse होकर water में dissolve हो जाएगा। This gaseous especially oxygen and carbon dioxide, कौन कौन सी गैस है, ये oxygen और carbon dioxide है, are essential for survival of aquatic animals and plant. क्या ये गैस essential है aquatic animal और plant को survive, मतलब जीवित रहने के लिए। All living creatures need to be breath for survival, सभी living जो creator रहते हैं उनको जीवित रहने के लिए air ज़रूरी रहती है, सांस लेने के लिए जरूरी रहती है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, और जो पानी वाले जीव रहते हैं वो किस में जीवित रहते हैं, वाटर में ही। वाटर के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। दस वी मैनी कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैसेस कैन डिफ्यूज इन टू अ लिक्विड। इसी प्रकार हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैस किसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है, किसके अंदर मिल जाता है, लिक्विड के अंदर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट सॉलिड्स। जो रेट रहता है डिफ्यूजन का लिक्विड का, वो सॉलिड से हायर रहता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट, ये क्या है, एक ऐसा फैक्ट है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में बताया है। पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। पार्टिकल क्या करते हैं, मतलब वो फ्रीली चलते रहते हैं ग्रेटर स्पेस के साथ, और क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सॉलिड स्टेट में कंपेयर हो जाते हैं। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।